हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव चैनल। माय नेम इज राहुल गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक के एक प्रोग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आज जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में यदि आप मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए मेरे चैनल पर और प्ले लिस्ट पर जाकर डाटा स्ट्रक्चर की सारी वीडियो देखिए, इसके बाद स्टैक का ये प्रोग्राम देखिए जिससे आपको आसानी से और पूरा समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज कल आपको एक बेस्ट एप्स के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिंग वाली बेल दबा लीजिए जिससे आपको सबसे पहले सबसे अच्छा ऐप पता चल जाए। तो 2018 को मैं सबसे बेस्ट ऐप्स यानी आपके लिए बहुत फायदेमंद ऐप्स होने वाला है उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और यदि आपको डाटा स्ट्रक्चर एथिकल हैकिंग वगैरह वगैरह ये जो नए उनको लिए मैं बताना चाहता हूँ, डाटा स्ट्रक्चर एथिकल हैकिंग CCP और मैं आपको बता चुका हूँ सोशल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और C#, पाइथन, पर्ल और वेबसाइट डिजाइनिंग, C++ में सिर्फ जावा छोड़ सभी लैंग्वेज सिखाने वालों आपको सीखना है। आपको सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, एप्लीकेशन बनाना सीखना है, एंड्रॉयड डिजाइन डेवलपमेंट कोर्स सीखना, सभी कुछ एक चैनल के अंदर देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को ज़्यादा बड़ी न करते हुए तो हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में अभी तक हम लोगों ने जाना था डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर कौन किस प्रकार का है और डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये डाटा स्ट्रक्चर की टाइप जाने के दो टाइप निकल कर आए थे, उसमें लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर में टाइप निकल कर आए थे एरे स्टैक क्यू और एरे में निकल कर आए सर्कल क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू। इससे पहले हमने सर्कल क्यू के बारे में जाना। अब इसके बाद की अब दो वीडियो जो आने वाली हैं उनमें हम जानेंगे प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू बारे में। तो प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंदी दे देना चाहता हूँ, इसके बाद अपने स्टैक के वापसी प्रोग्राम में आने वाले हैं। प्रायोरिटी क्यू होता है कि आपको प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी में मीन्स होती है कि आप किसी एक मान लो एक नेता है, अब यदि आपको किसी आप पार्टी में जाने और कोई नेता है तो आपको उसका पर्टिकुलर रूप से स्वागत किया जाता ना, सभी लोग पहुंच जाते भाई ये आ गया ये आ गया ये आ गया और आप वहाँ पर जाते हैं उसको प्रायोरिटी देते, उसी प्रकार से प्रायोरिटी क्यू काम करता है। तो यदि कोई पर्सन सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी तो सबसे पहले अंदर जाने को मिले, उससे कम वाली प्रायोरिटी उसी प्रकार से अंदर जाते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्यू के बारे में जो बताने वाले डी क्यू। डी क्यू मतलब होता है डबल और ई के मतलब डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू मतलब दोनों साइड से आपको अंदर आ सकते हो, मतलब एक गेट मेरे रूम में घुसने के एग्जांपल के तौर पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे क्लास के जाने के लिए मैं दो गेट है तो मैं दोनों साइड से अंदर जा सकते हैं ना, उसे डबल एंडेड, और उसी से दोनों साइड से बाहर आ सकते हैं, तो इसे कहते हैं डबल एंडेड क्यू। वो ऑब्वियस नॉन लीनियर में ट्रे और ग्राफ जो सर्चिंग उसमें 6 ऑपरेशन लगेंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग और आपका ट्रेवर्सिंग और इंसर्टिंग डिलीशन, ये सभी ऑपरेशन उसमें लगेंगे। अभी हम लीनियर में से पढ़ रहे थे ट्रेवर्सिंग सर्चिंग और इंसर्शन डिलीशन और ट्रेवर्सिंग और इंसर्शन वगैरह का ऑपरेशन नहीं लग रहे थे इसमें। इसके बाद हम लोग जानेंगे लिंक लिस्ट। तो अब आते हैं आज की जो वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है प्रोग्राम्स के बारे में। इससे पहले मैं स्टैक के एल्गोरिथम पूरी बता चुका हूँ। तो अब जाते हैं, जबकि सी के प्रोग्राम बनाएंगे इसमें हैज इंक्लूड से चालू होता है। तो आपने यदि सी के बारे में जानते हैं तो प्रोग्राम देखिए, नहीं आप जानते तो जाके पिछले वीडियो देखिए और ये आप प्रोग्राम तो छोड़ दीजिए। आपको अभी इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। और अब यदि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज चाहिए तो आप सी की मेरी वीडियो की प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो अब जाते हैं इंक्लूड। इंक्लूड के बाद आता है ब्रैकेट्स के अंदर studio.h। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h .h होती है, कहरा फाइल के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद आता है सेकंड, इसके बाद लिखा जाता है इंक्लूड conio.h। conio.h होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, ये h.h हेडर फाइल होती है। conio के अंदर काम करता है प्रिंट एप, स्टूडियो के अंदर काम करता है स्टूडियो के आता है इस अंडर काम करता है इसके अंदर। अब इसके बाद है डिफाइन साइन, मैंने एक साइन डिफाइन करने के लिए ये होता है आपका फंक्शन के रूप में काम करता है। तो इसमें है डिफाइन फाइव, साइज मैंने 5 कर दी आपकी, मैंने साइज अपनी डिफाइन कर दी 5। इंट स्टैक में, इंट स्टैक मतलब ये रिटर्न करने के लिए इंट है, रिटर्न करता है। ये वाइट इसी जगह पर लग जाता तो रिटर्न नहीं होता। इंट स्टैक साइज में इनकी स्टैक की साइज को मैंने इंट स्टैक की साइज मैंने साइज मैंने कितनी साइज कितनी डिफाइन की 5, उसमें मैंने इंट में 5 साइज दी। जब तक 5 की साइज नहीं आ जाए जब तक रिटर्न कराता है।
इसके बाद मैंने एंड में लिख दिया है टॉप स्टैक माइनस वन, टॉप ऑफ स्टैक हमेशा माइनस वन पे रन पे रहेगा। मैंने इसके पहले एल्गोरिथम वाली वीडियो में आपको बताया था जब मैंने स्टैक की शुरुआत की थी, तो आप यदि उसको देखना देखा नहीं है तो जहाँ तक पहले उस वीडियो को देखिए समझिए, नहीं समझ में आए कमेंट में लिखिए आपको समझाया जाएगा और आपको जल्द से जल्द उसका डाउट किया जाएगा, नहीं हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा। इसके बाद आता है वाइड बैंड के बाद आता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में लेटा जाए एंड सी एच मतलब होता है करेक्टर ये और एंट्री को सी एच। अभी मैंने सी अब आपको सोचा है सी एच मैंने लिखा करेक्टर क्यों इस सी एच, मैंने सी एच इसलिए लिखा था अभी क्विश करने स्विच केस में जब हम क्विश लगाते हैं ना तो सी एच लिखते फिर इंटीजर, मैंने इंटीजर के बाद लिखा सी एच। अब सी एल आर एस एच सी एल आर एस सी एल का प्रूफ होता है क्लियर इसका। अब मैंने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट पेन टैप, पेन टैप के बाद मैंने लगाया डबल ब्रैकेट्स सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर मैंने बैक स्लैश एंड प्रेस वन फॉर पोस्ट, यदि वन बटन करोगे तो पोस्ट पोस्ट मीन होता है इंसर्शन, प्रेस टू इसी प्रकार मैंने लिखा प्रिंट टैप ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा बैक स्लैश एंड प्रेस टू फॉर पॉप, यदि आपको डिलीशन करना है तो पॉप का ऑपरेशन लगाएंगे और फिर प्रिंट टैप यदि आपको पेज थ्री करते हैं तो ट्रेवर्स होगा तो आपको शो होगा कि उनकी वैल्यू मैंने डाली है कौन सी वैल्यू है उस समय, और प्रिंट फोर पे यदि आप प्रिंट फोर पे फोर पर बटन दबाते हैं तो आपकी एग्जिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखते होंगे कोई काम करते हैं यदि मैंने अपनी किसी चीज़ को मैंने आपने एक ऐप्स खोला उसमें देखा थी मेरी एक मूवी एक में गेम एक म्यूजिक हॉबी आपको नहीं करना तो कुछ देखना तो आप एग्जिट कर सकते हैं उसी प्रकार से ये मान लो इंसर्शन डिलीशन और ट्रेवर्सिंग। अब इसके बाद है स्विच, मैंने स्कैनर कराया यदि चार में कोई बटन दबा रहे तो उसी केस पर पहुंच जाएंगे। अब आता है हम लोगों का पहला केस जिस केस पर हम काम करें स्विच सी एस स्विच की एस इस पर हमने ब्रैकेट लगाया फिर केस वन केस वन के में फिर ब्रैकेट है ये याद रखिए फ्रेंड्स यदि आप जितने ब्रैकेट्स लगा रहे हैं सभी ब्रैकेट्स को लास्ट में जाकर क्लोज करना है, यदि आप क्लोज नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रोग्राम गलत होगा। इसके बाद मैंने इंट में आइटम, आइटम एक ऐसी चीज़ होती है जो इंटीजर होती है ना कि करेक्टर, करेक्टर मतलब नहीं है तो आपको इंट लगा सकते हैं, करेक्टर टाइप की होती तो मतलब आप कोई नाम वर्ड लेते हैं तो आपको सी एच लगाना पड़ता। अब इसके बाद इफ इफ में यदि इफ मतलब होता है यदि और मैंने ब्रैकेट के अंदर लगा टॉप ऑफ स्टैक यदि टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू इक्वल इक्वल मैंने दो बार इसलिए रहा है हमेशा जब इक्वल टू करना होता है तो डबल इक्वल टू लगाए साइज माइनस वन यदि साइज माइनस वन है क्या इफ यदि टॉप ऑफ स्टैक साइज माइनस वन है साइज फाइव है फाइव माइनस वन मतलब फोर में है तो प्रिंट ओवर फ्लो मतलब जीरो से चालू होता है और कहाँ तक जाता है फोर तक जाएगा यदि आप ज्यादा साइन माइनस वन पे है तो आप ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि कुछ आइटम डालना नहीं जा सकता। इसके बाद नहीं है एल्स तो पेन टैप इंटर नंबर आप कराएंगे पेन टैप इंटर नंबर स्कैन ऐप में आईडी आइटम जो आप कुछ डालना चाहते हैं मैंने इंटीजर का वो लिखा था परसेंट डी डी स्कैन हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए प्रिंट कराने वैल्यू लेने के लिए होता है टॉप ऑफ स्टैक। इसके बाद टॉप ऑफ स्टैक को एक बढ़ाएंगे फिर स्टैक के टॉप ऑफ स्टैक में आइटम डालेंगे और करें इसे आप ब्रेक करेंगे फिर केस टू में एक टॉप ऑफ स्टैक यानी माइनस माइनस वन पे है तो प्रिंट अंडर फ्लो करेंगे एल्स लगाएंगे फिर स्टैक के टॉप ऑफ स्टैक में नल डालेंगे जब तक स्टैक का टॉप ऑफ नल नहीं हो जाएगा टॉप ऑफ स्टैक को एक घटाते जाएंगे आइटम डिलीट करते जाएंगे आपको प्रोग्राम को फिर ब्रेक कर देंगे। यदि केस टू नहीं लग रहा तो पहला केस नहीं लगा तो दूसरा केस लगाएंगे जब केस दूसरा भी नहीं लग रहा तो तीसरे केस में आएंगे। केस थ्री होता है एंड आई पहले इसमें एम्प्टी स्टैक यदि एम्प्टी स्टैक है तो कुछ आपको मतलब ट्रेवर्स कराएगा ही नहीं तो सीधे एम्प्टी दे देगा यदि नहीं है तो आपका लूप लगेगा एस के ब्रैकेट में फोर लूप चलेगा आई ऑफ टॉप स्टैक टॉप ऑफ स्टैक जहाँ पर यदि फाइव पर मान लो टॉप ऑफ स्टैक फोर मान लो मैंने मान लिया तो फोर ऑफ आई इक्वल टू जीरो जब तक वो जीरो नहीं होता एक घटाता चला गया और स्टैक के आई में आपकी वैल्यू प्रेजेंट प्रिंट कराता चला गया इसे ब्रेक बॉल और ये केस फोर नहीं तीनों लग रहे हैं तो ब्रेक कराते केस फोर एक जेट वन दवाई करेंगे और ब्रेक हो जाएगा तो वो आपका एग्जिट कर देगा डिफॉल्ट यदि आपके कोई ऑप्शन नहीं ट्वेंट वैलेट ऑप्शन देगा और गो टू स्टार्ट में जाएगा। इसके बाद आपको सभी ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं और आप क्लोज करने बाद के सी एच लगाएंगे और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने पहले कह चुका हूँ अगली वीडियो आपको बेहतर ऐप्स के बारे में आने चाहिए बहुत टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर ऐप्स आने वाले हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए लाइक करिए वीडियो तो दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।